हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि कल का जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो काफी अच्छी तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं ये समझ सकता हूं कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाएंगे वहां तक। और ये आप एंश्योर करते रहें कि आप मेरे साथ साथ चीजों को देखते रहें। अगर आप मेरे साथ साथ चीजों को देख रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, तो मैं बहुत एंश्योर करता हूं कि 90% प्रॉब्लम तो हम यही खत्म कर देंगे, 10% वो नुमाइका प्रैक्टिस से आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए। क्या आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगा कि इन द लास्ट सेशन, इन द लास्ट क्लास, वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। वी डिस्कस दैट। ठीक है, तो चलो जल्दी देखते हैं जरा एक बार कि आपने एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, व्हाट वाज दैट? माइनस क्यू प्लस क्यू पॉइंट पी, ये इसका एक्चुअल पॉइंट था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्चुअल पॉइंट बेटा इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, इसके राइट में भी हो सकता है। एक बच्चे ने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मुझसे पूछा, उसने पूछा कि सर एक बार बताइए कि क्या ये एक्चुअल पॉइंट जो है वो इनके बीच में भी नहीं आ सकता है? अब भाई बात में तो दम है, आप सोच के देखिए कि इसके बीच में भाई एक्सिस तो ये भी है, लेकिन डाइपोल की एक्सिस का मतलब क्या होता है? डाइपोल होता है शॉर्ट, डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इसके बीच में कोई चार्ज रख सके, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल लेंथ। और आपको पता है कि डाइपोल की डेफिनेशन भी यही बताती है कि डाइपोल इज अ सिस्टम विच कंटेन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर बहुत छोटा होगा तो फिर इस चार्ज को आप बीच में नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि या तो आप डाइपोल के इस साइड को बाहर रख लें या फिर दूसरी साइड को। सो वी हैव टू कीप इट इधर ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट बेटा? अब याद रखो कि बेटा हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया था फाइनली वो क्या आया था। ठीक है, एक बार देखते हैं। रिलेशन आपके पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इस पॉइंट पे निकाला था ई वेक्टर, वो निकल के आया था आपके पास ई इज इक्वल टू के पी आर, साथ में टू भी था, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस वॉज अबाउट मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन क्या है, तो देखिए डायरेक्शन क्या थी। डायरेक्शन में अगर मैंने वेक्टर लगाया था यहां पे, तो याद करिए कि मैंने आपको यहां पी कैप बता दिया होगा। कुछ बच्चों को शायद ये कंफ्यूजन रह गया हो कि सर ये पी कैप आपने कैसे लगा दिया, हालांकि मैंने बताया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो मैं अब यहां पर बताने वाला हूं और जो मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताऊंगा, उन दोनों चीजों के बीच में कुछ लिंक आएगा। इस चीज को याद रखना जरूरी है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर आपको याद हो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर दिखाया था। ठीक है, उसको मैंने नाम, जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिस पॉइंट वॉज ए, दिस पॉइंट वॉज बी, और यहां पर मैंने बताया था कि ए पॉइंट पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ए पॉइंट की तरफ, उसको हमने ई ए बोला था। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चला गया था तो उसको हमने थोड़ा बड़ा करके ई बी बनाया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज ई बी माइनस ई ए, दैट इज ई वेक्टर, और वो टुवर्ड्स राइट था। अच्छा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने? द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वॉज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ऐसी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकल के आया था हमारे पास और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी, दे वर इन द सेम डायरेक्शन। बिकॉज दे वर इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डायरेक्शन थी उसको हम पी कैप ले सकते हैं। पी कैप का मतलब डायरेक्शन इन विच डायपोल मोमेंट इज देयर। ठीक है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज की जरूरत मुझे आगे भी पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था, और साथ में मैंने बताया था कि इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल एंड टू ए इज वेरी 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 लेस देन आर, तो हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और तब हमारे पास जो रिलेशन निकल के आता है That was E is equal to 2kp upon R cube. ये फॉर्मूला सॉल्व करके आता। ठीक है, और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख दो तो इसी को हम साथ में P कैप लगा सकते हैं। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला एंड दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द फॉर्मूला। ये था हमारे पास एक्सियल पॉइंट। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या है। आप याद करें कि मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि इक्वेटोरियल पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट ही क्यों कहते हैं, और मैं बहुत खुश हूं इस बात के साथ कि कुछ बच्चों ने मुझे उसका आंसर दिया। बच्चों ने ये कहा कि क्योंकि, जैसे यहां पे बता दूं आपको पहले मैं कि ए बी हमारे पास एक डायपोल है और इस पी पॉइंट को बोलते हैं इसका इक्वेटोरियल पॉइंट।
ये इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, टू एयर के बीच का सेपरेशन है, और पी, ये पी पॉइंट पता है कहां है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर है। तो कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर दिया कि सर इसको इक्विटोरियल पॉइंट इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस पॉइंट पी इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से भी उतने डिस्टेंस पर है, माइनस क्यू से भी उतने डिस्टेंस पर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात के साथ? हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने सुन भी यही रखा है, हो सकता है मैक्सिमम लोगों को लगता है इक्वेटोरियल का मतलब इक्वल। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, अगर इक्वेटोरियल का मतलब इक्वल ही है, ठीक है, तो जब आपने मैथ्स में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा था तो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट को आपने इक्वेटोरियल पॉइंट कहा? सोचिए, क्या मैथ्स में आपने इक्वेटोरियल पॉइंट कभी नाम सुना था? जनरली नहीं सुनते हम, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहां भी होता है। एक्चुअली अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। इक्वल डिस्टेंस इट्स ओके, लेकिन दिस इज नॉट द मेन कॉज। आप सोचिए, क्या मेरे पास प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल है डाइपोल का? मैं सिर्फ डाइपोल बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक नहीं, डाइपोल, दो पोल इक्वल एंड अपोजिट। तो पहला मेरे पास एग्जांपल हुआ मैग्नेट, दूसरा एग्जांपल क्या हुआ अर्थ। भाई अर्थ पे भी तो दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब जरा अर्थ को देखते हैं कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो थे वो किस तरीके से थे और वहां पे कहां क्या कंसेप्ट निकल के आता है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उसका लिंक यहां पर है और इस क्वेश्चन का आंसर हमको वहां से मिल जाएगा। देखिए बेटा, अर्थ नॉर्मली इस तरीके से बनाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस अर्थ को ऐसे ना दिखा के मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। कैसे? ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, ऐसे मैंने इसके एक्सेस इमेजिन कर लिए। मैं ध्यान रखना कि मैं इस अर्थ को इस तरीके से इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं इसको इससे कंपेयर कर सकूं। अब मुझे बताओ कि अर्थ के अंदर इस पर्टिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये लाइन जो अर्थ को दो डिफरेंट पार्ट्स में, इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, व्हाट इज दैट लाइन कॉल्ड? आई एम श्योर कि आप इसका आंसर जानते हैं और बहुत सारे लोग अब तक आंसर इसका दे चुके हैं। इट इज कॉल्ड इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन इक्वेटर है। तो इक्वेटर के ऊपर किसी भी अगर पॉइंट को मैं रखूंगा, कोई भी एक पॉइंट पी अगर मैं इक्वेटर के ऊपर मान लूं, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट मींस अ पॉइंट ऑन इक्वेटर। अब सोचिए, यहां पे भी देखो बिल्कुल सेम तरीके से, जैसे इसका नॉर्थ पोल था ऐसे इसका पॉजिटिव चार्ज क्यू है, जैसे इसमें साउथ पोल है ऐसे इसका माइनस क्यू चार्ज है, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर किसी पॉइंट को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो डिस्टेंस इक्वल है, दैट्स करेक्ट, लेकिन इक्वेटर वर्ड और इक्वल वर्ड दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है बच्चे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम टारगेट हमारा क्या है? हमारा टारगेट यह है कि वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। आपके दिमाग में यह बात भी हो सकती है कि सर आपने पी को ऊपर क्यों बनाया, नीचे बना लो, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे कर सकते हैं। मैं डायग्राम को वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगा जैसे मैक्सिमम बुक्स में है, ताकि आप चीजों को लिंक कर सके जब आप बुक को पढ़े, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला काम यह है कि मैं इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। याद रखो, हमने एक्सियल पॉइंट भी ऐसे ही किया था, जब मुझे पूरे डायपोल की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो पहले मैंने माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड निकाला, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड निकाला, और फिर उन दोनों का नेट निकाला। यहां भी हम यही करेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? बिकॉज माइनस क्यू इज नेगेटिव चार्ज, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स माइनस क्यू, इधर, ठीक है, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स माइनस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डायग्राम को ढंग से समझे, हो सकता है कि कुछ लोगों ने बुक में इस डायग्राम को देख लिया हो, लेकिन बेटा डायग्राम के अंदर इतनी टेक्निकलिटी है, एक एक पार्ट एक एक कॉन्सेप्ट से निकल के आता है, और उन चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ढंग से देखें, पी पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। अब इसका नाम क्या रखें हम? इसका नाम है ई ए,
EA means electric field due to the charge which is kept at A. अब बात करते हैं प्लस क्यू वाला जो चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, तो पॉजिटिव वाला चार्ज है तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन में इधर, ये पूरी लाइन की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये दिस इज ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी। तो क्लियर बात है, ए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया टूवर्ड्स हो गया, बी वाले चार्ज की वजह से हो गया अवे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे निकलती हैं और नेगेटिव से उसके टूवर्ड्स आती है। क्लियर बेटा? चलिए अब एक बात बताओ, फोर्स में भी हमने पढ़ रखा था और मैंने आपको बताया था बेटा कि जब हम फोर्स पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं फोर्स का, तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा। अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दो है और दोनों ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना अपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअल पॉइंट पे क्या था, एक इधर था एक इधर था, तो हमने क्या किया दोनों को माइनस कर लिया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों को ऐड कर लेते, लेकिन इस बार दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे इनका नेट निकालेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ बेटर क्वांटिटी तो बेटर फॉर्मूला से इसका नेट निकलेगा। तो चलिए देखते हैं जरा, मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन खींच लेता हूं, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ओके, अब देखो बच्चे, इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। सोचिए अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा, क्यों होगा थीटा, बिकॉज इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये कंफर्म बात है, ये भले इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो लेकिन आइसोसेलेस जरूर होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। तो इफ दिस इज थीटा दिस इज थीटा, और मैंने बोला कि ये लाइन मैंने इसके पैरेलल खींच ली, तो बेटा अगर ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल बन जाएगा। कौन से एंगल है, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, and if this is theta this will also be theta, alternate interior angles। okay, अब सुनो, हमने क्लास 11 में पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब थोड़ा सा रिकॉल करूं, अगर ये मेरे पास r वेक्टर है और मैं इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूं, तो अगर यहां पर थीटा है तो यहां आता है r cos थीटा और यहां आता है r sin थीटा। मतलब जिस साइड पर थीटा चिपका हुआ है, जिस साइड पे थीटा लगा हुआ है वहां हमेशा कॉस थीटा आता है, ये हमने पढ़ा है। तो इसी कांसेप्ट से अगर आर के थीटा वाली साइड पे आर कॉस थीटा आता है और परपेंडिकुलर साइड पर आर साइन थीटा आता है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, पहले मैं ईबी को देख लेता हूं फिर हम ईए की बात करेंगे। ईबी अगर इधर लिखा है और थीटा यहां लिखा है तो यहां क्या आएगा हमारे पास, ईबी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा वाली साइड के ऊपर वो चिपका हुआ है। तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज ईबी कॉस थीटा। ओके, ईबी कॉस थीटा, तो अब ईबी साइन थीटा कहां पे होगा, ईबी साइन थीटा होगा यहां पे, यहां। ईबी साइन थीटा, क्लियर। अब बात करते हैं कि ईए के कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होंगे, देखते हैं। देखिए बच्चे, EA आपके पास यहां था, थीटा एंगल इधर की ओर है, तो EA का कंपोनेंट जो इधर आएगा दैट विल बी EA cos थीटा, क्योंकि थीटा वाली साइड पर है वो, और इसके परपेंडिकुलर साइड यानी कि नीचे वो आपके पास आएगा EA sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने EA और EB के कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए हैं। EB यहां पे था तो आ गया EB cos थीटा इधर और EB sin थीटा इधर। EA हमारे पास यहां था, दिस इज EA, तो इसके लिए कंपोनेंट आ गया EA cos थीटा और EA sin थीटा। अब डायग्राम को देख के क्या पता लगता है, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P, टोटल कितना आएगा। तो डायग्राम को देख के हमारे दिमाग में पहली बात जो आती है वो ये आती है कि EA cos theta और EB cos theta they are in the same direction, और अगर same direction में है तो इसका मतलब ये दोनों add हो जाएंगे, ठीक। और EB sin theta और EA sin theta they are in opposite direction, तो ये cancel कर सकते हैं, ध्यान रखना है cancel कर सकना और cancel actually हो जाना दोनों में अंतर है। ये दोनों के दोनों exactly
जीरो कब लेके आ सकते हैं एक दूसरे से, वो तब लेके आ सकते हैं जब ई ए और ई बी ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली वैल्यू में बराबर आ जाए, मैग्नीट्यूड में बराबर आ जाए। अगर ई ए और ई बी की वैल्यू बिल्कुल बराबर आ जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और यहां तो सिर्फ ऐड होना है, बराबर आए चाहे ना आए वो ऐड हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का आंसर अगर एग्जैक्टली जीरो लाना है तो तभी हो सकता है जब ई ए और ई बी दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, ठीक। तो इसका मतलब है आपको ई ए कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, ई ए साइन थीटा निकालना पड़ेगा, और ये सिर्फ तब निकल सकता है जब मैं ई ए और ई बी निकाल लूं। ध्यान रखो, हमारे दिमाग में ऐसी बात हो सकती है अरे ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कैसे, कुछ नहीं है, वेरी इजी लॉलीपॉप, वेरी इजी। इसमें सिर्फ ये है कि डायग्राम की टेक्निकलिटी अगर आपने समझ ली तो मैथमेटिकली इट इज वेरी इजी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, मैंने कहा कि हमारा पहला टारगेट है कि हम ई ए निकालें ई बी निकालें, ठीक है। अब देखो बच्चे, आपको याद है कि लास्ट जो डेरिवेशन था एक्सियल पॉइंट वाला, उसमें मैंने डायपोल के सेंटर पॉइंट को क्या लेट किया था, एक जहां पे माइनस क्यू चार्ज था वहां पे मैंने उसको वहां भी लेट ए कर रखा था, यहां भी मैंने उसको लेट बी कर रखा था प्लस क्यू वाले को, और सेंटर ऑफ डायपोल को हमने ओ लेट किया था। ओ मैं सारे सिंबल्स बिल्कुल वैसे ही ले रहा हूं जिस तरीके से हमने एक्चुअल पॉइंट पे ले थे, ताकि आपको इजी रहे उसको लर्न करना, ठीक है जी। तो चलो देखो, इफ दिस इज टू ए, दिस इज ए, और कुछ याद है कि डायपोल के सेंटर ओ से लेकर पी तक के डिस्टेंस को हमने क्या अज्यूम किया था, सोचो O से लेकर P तक के डिस्टेंस को क्या माना था, O से लेकर P तक के डिस्टेंस को हमने स्मॉल r लेट किया था, यहां भी वही करेंगे, देखते हैं। O से लेकर P तक दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, जो भी मैं डेरिवेशन आपको डायपोल का करा दूं उसमें हमेशा ही ये लेट करूंगा, ताकि आपको इजीली चीजें याद हो, ठीक है ना। सिंबल्स बहुत सारे नहीं लेने, उनको उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से कम सिंबल्स में सिमेट्री आए और हम उसको इजीली लर्न कर सके, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये ए हो गया, ये आर हो गया, अगर मुझे ये ए और ये आर पता है तो क्या मैं इस साइड को निकाल सकता हूं? देखो, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑटोमेटिकली एंगल 90 का होगा, और ये एंगल अगर 90 का होगा तो मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाएगी, एंड दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा आर ये है और ए ये है, तो ये भी हमारे पास ये आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको डायग्राम के अंदर चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो अब हम इजिली इसको सॉल्व करेंगे, अब मुझे सिर्फ देखना है और लिखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या स्टार्टिंग करनी थी हमको, आपने वहां एक्सियल पॉइंट में सबसे पहले लाइन लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी, मैं अगेन वही लिखने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी। तो देखो बच्चे, उसका नाम क्या लिखूं मैं, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका नाम था ई ए, तो मैं लिखता हूं ई ए इज इक्वल टू के, फॉर्मूला क्या था बेसिक, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब कहां से कहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था हमारे पास ए पी, तो के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। और इसी की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आता है, के क्यू अपॉन एपी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायग्राम के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, मुश्किल नहीं है, एक दोबारा और इसको आप, मैं कहूंगा कि आप जब मैं पूरा लेक्चर अपना खत्म कर दूं तो इस वीडियो में एक बार और ये चेक करिएगा कि डायग्राम कैसे बना था, ठीक है। अब यहां चीजें बहुत ईजी है, तो E is equal to KQ upon R square, R का मतलब AP था,
एंड एपी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या मिलता है आपको, ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट से स्क्वायर चला जाएगा तो आप क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ इंश्योर इट कि दिस इज मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसके डायरेक्शन लिखना चाहूं, मैं इसको ई ए वेक्टर कर दूं, तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसके डायरेक्शन के सामने यहां कुछ लिखना चाहूं कि ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन देखो जरा किधर से किधर है, पी से ए की तरफ जा रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अलोंग पी ए, पी से ए की तरफ, अलोंग पी ए। इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं ई ए के ऊपर से वेक्टर हटा दूं तो मुझे अलोंग पी ए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा वैल्यू। लेकिन अगर मैं वेक्टर लगाता हूं तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखनी पड़ेगी, लिखना चाहिए, ठीक है ना, बाद में हम उसको एज अ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखिए इट इज ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, क्या डिस्टेंस है भाई, क्या डिस्टेंस है, बी पॉइंट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच का लोगे ना, तो क्या आएगा बी पी स्क्वायर। दिमाग में ये बात बिल्कुल ना रहे कि सर आपने वहां माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस क्यों लिया और प्लस क्यू की वजह से प्लस अलग अलग क्यों नहीं लिखा, उसके लिए मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं ना, इफ आई एम राइटिंग द डायरेक्शन दैट मींस साइन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। अब देखो ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दें के क्यू अपॉन इन प्लेस ऑफ बी पी, बी पी की वैल्यू है मेरे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है, सेम आंसर है। तो क्या आता है हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई आपके पास आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर मैं ई बी के साथ वेक्टर लगा दूं तो क्या होगा, अगर ई बी के ऊपर मैं वेक्टर लगा देता हूं तो मेरे पास आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग किधर से किधर के ऊपर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर गया, बी से पी की तरफ जा रहा है ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखेंगे अलोंग बीपी, अलोंग बीपी, ये निकल के आता है। तो हमारा टारगेट अभी तक ये था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ए के थ्रू निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड बी के थ्रू निकाल लें, और जब ई ए और ई बी आ जाता है तो फिर हम बात करेंगे कि ई ए कॉस थीटा क्या होगा, ई बी कॉस थीटा क्या होगा, ए साइन थीटा क्या होगा, ई बी साइन थीटा क्या होगा। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा कैंसिल हो सकता है, कब, जब ई ए और ई बी मैग्नीट्यूड वाइज बराबर आ जाए, वैल्यू बराबर आ जाए। अब चेक करो कि क्या ये बराबर है, ई ए के लिए आपने मैग्नीट्यूड जो लिखा था वो क्या लिखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और EB के लिए जो मैग्नीट्यूड लिखा है आपने वो क्या लिखा है, KQ upon R square plus A square, दोनों बराबर है, मौज आ गई। तो भाई जब दोनों बराबर है यही तो हम चाह रहे थे, तो जब दोनों बराबर आ गए तो अब बहुत सीधे बड़ा रिलैक्स हुआ, बहुत सुकून मिला कि भाई चलो कैंसिल हो जाएंगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है, हम चाहते ही है कम से कम में काम हो जाए, झंझट ही नहीं होना चाहिए, चलो गुड, ठीक है बेटा, ये बात पता लगी। इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसके आगे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, अब मुझे लिखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालना है मुझे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक लाइन पहले देखो, देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, एज ई ए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, एट एज ई ए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू ई बी वेक्टर मॉड, समझ पा रहे क्या लिख रहा हूं मैं, अगर मैंने लिख दिया ई ए वेक्टर इज इक्वल टू ई बी वेक्टर, इट इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं थी,
लेकिन अगर मैं मॉड लगा देता हूं, इसका मतलब वी आर डीलिंग ओनली विद द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। सर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर था, ये तो हमने देखा यहां पे। तो एज ईए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू ईबी वेक्टर मॉड, देयरफॉर ईए साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा विल कैंसल आउट ईच अदर, विल कैंसल आउट ईच अदर। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो EB sin थीटा और EA sin थीटा का तो काम इतना हो गया, सॉल्व ही नहीं करना, तुरंत झंझट निपटा दिया हमने, हमने सीधा लिख दिया कि दोनों बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कैंसिल कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी बाकी है ना भाई, आपने इन दोनों को तो कैंसिल कर दिया, लेकिन ये दोनों थोड़ा कैंसिल हो जाएंगे, ये जो cos थीटा वाले दोनों हैं ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, कैंसिल नहीं हो सकते, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी, तो क्या आया हमारे पास, ई इज इक्वल टू, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहा हूं पहले, बाद में उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, झमेला नहीं पालना, इजी तरीके से करना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी ई इज इक्वल टू, कौन कौन से कॉस आपको ऐड करना है, E1 cos theta, E1 की जगह हमारे पास EA था, EA cos theta plus EB cos theta, क्लियर है बेटा, sin theta वाले दोनों कैंसिल हो गए, cos theta वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सिर्फ cos theta वालों की वजह से, दैट इज EA cos theta plus EB cos theta। चलिए अब देखते हैं, अब क्योंकि EA और EB मैग्नीट्यूड वाइज बराबर थे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, बिकॉज ई ए इज इक्वल टू ई बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या लिख पाएंगे, इज इक्वल टू 2EA cos थीटा, झंझट ही खत्म, ई ए cos थीटा तो था ही, और ई बी की जगह भी जब ई ए लिखोगे तो ई ए cos थीटा और ई ए cos थीटा मिलके हो जाएगा 2EA cos थीटा, क्लियर, ओके। अब इनकी वैल्यू पुट करनी, तो भाई वैल्यू क्या रखेंगे हम, ई ए की वैल्यू तो हमको पता है, EA की वैल्यू क्या है हमारे पास, EA की वैल्यू वही है जो EB की वैल्यू है, इट इज KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये वैल्यू थी, तो रखते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो वैल्यू आ गई आपके पास EA की। अब बात करते हैं cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो डायग्राम की तरफ देखते हैं, cos थीटा में ये डायग्राम देखो, इसको इस ट्रायंगल को देख लो, चाहे इस ट्रायंगल को देखो चाहे इस ट्रायंगल को, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज a एंड हाइपोटेनियस इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर इस वाले ट्रायंगल से cos थीटा निकालना चाहे तो भी वही आंसर आएगा a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा की जगह मैं लिखता हूं बेस a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करना है, और एक बात बस, अब तो खत्म हो गया ना, इतना ही था, आपसे ये पूछा था, आपको मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी हम किस इलेक्ट्रिक डायपोल का डेरिवेशन करेंगे तो क्या बात मस्ट है, ये मस्ट है कि उसके अंदर डायपोल मोमेंट p जरूर आना चाहिए मेन फॉर्मूले के अंदर, और p का मतलब क्या था, p का मतलब था q into 2a, तो हमें ये चेक करना है कि हम जो एक्सप्रेशन लेके आ रहे हैं उसमें के अंदर P बनता है कि नहीं बनता, नहीं भी बनेगा तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट, डायपोल का डेरिवेशन कर रहे हो, डायपोल मोमेंट नहीं आएगा तो भाई ये बेमंची हो जाएगी, ये बात फिर बढ़िया नहीं होगी, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली अभी तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसके बाद देखते हैं, नोट करने की टेंशन आप ना ले, उसके लिए आप वीडियो का रिपीटेशन देख सकते हैं, वहां सारी चीजें लिख सकते हैं, फिलहाल समझना जरूरी है, समझ नहीं आया तो लिखना बेकार हो गया। देखिए E इज इक्वल टू K मैंने इधर लिख दिया, फिर लिखा मैंने Q इंटू टू वे, ये मैंने क्या किया, इसके सिर्फ ऑर्डर इधर उधर कर दिया,
के को पहले लिख लिया, फिर क्यू लिख लिया, इस टू को ए के साथ भेज दिया, अपॉन में क्या आया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अगर मैं पावर वन वाली किसी चीज को पावर हाफ की किसी चीज से मल्टीप्लाई करता हूं, कौन सी, अगर मान लो टू की पावर वन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं टू की पावर हाफ से, तो क्या आंसर आता है, तो आंसर आता है टू की पावर थ्री बाय टू। मल्टीप्लाई करने पर इफ द बेसिस आर सेम देन पावर एड। इसी तरीके से बेसिस अगर सेम होते हैं तो दोनों पावर एड हो जाती है, वन प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय टू। इसी तरीके से ये दोनों के दोनों बेसिस बिल्कुल सेम है, एक की पावर वन है एक की पावर हाफ है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर थ्री बाय टू। पावर वन और पावर हाफ मल्टीप्लाई होकर थ्री बाय टू हो जाता है। ठीक बच्चे, चलिए तो दिस इज के क्यू इंटू टू ए। अब जैसे ही हमने q इंटू टू ए देखा, लालच आ गया हमको, q इंटू टू ए ये तो कुछ जान पहचाना लग रहा है, क्या है, डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल वही जो हमें चाहिए था। तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाई टू। ये आपका जो आंसर आया है ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का। अब बात करनी है कि डायरेक्शन क्या होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा कोई डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, डायरेक्शन एकदम निकल जाएगी अगले स्टेप में, लेकिन लॉजिकल है। ध्यान रखो, डायरेक्शन में आपको उन दोनों चीजों को देखना है जो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में यहां है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास और एक डायपोल मोमेंट, तो बोथ आर वेक्टर। तो मुझे ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में क्या रिलेशन है आपस में। हमने जब एक्सियल पॉइंट की बात करी थी तो जिधर की ओर डायपोल मोमेंट था उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था नेट, ठीक है, इसलिए हमने पी कैप लिख दिया था उसके साथ में। लेकिन अब देखना है कि क्या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट की डायरेक्शन है वो सेम है। देखो, माइनस क्यू चार्ज ले रहा प्लस क्यू चार्ज ले रहा, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये हमने सीखा था। इसका मतलब यहां पे मैं इसको पी वेक्टर भी लिख सकता हूं, पी वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर निकल के आया, सोचो ई ए कॉस थीटा इधर है, ई बी साइन, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा दोनों इधर थे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से मिला ना, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर, और डायपोल मोमेंट किधर था, इधर। तो दोनों के डायरेक्शन में क्या रिलेशन हुआ आपस में, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं E वेक्टर, जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाय 2 P कैप। यहां एक लॉजिक है इसलिए मैंने रोक दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में होती है तो हम P कैप लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगा देंगे। ये माइनस साइन क्या बताता है, ये माइनस साइन ये बताता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट अगर राइट में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में निकल के आया है। एक्चुअल पॉइंट पे क्या था, जिधर डायपोल मोमेंट था उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए आपने पी कैप लिखा था लेकिन माइनस नहीं लगाया था। ठीक है, ये बड़ी कंसेप्ट वाली बात है कि एक्चुअल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, एंड इन इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये दोनों में एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस निकल के आया। ठीक है बेटा, तो ये इसका वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अब इसका स्पेशल केस देख लेते हैं, इफ 2a इज वेरी 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 लेस देन r, r से अगर 2a बहुत छोटा हो, जैसे हमने एक्चुअल पॉइंट पे किया था, तो इफ 2a इज वेरी वेरी लेस देन r तो क्या करेंगे, देयरफॉर a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, और a स्क्वायर को अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाई टू पी कैप।
ए स्क्वायर तो चला गया, आर स्क्वायर की पावर आ गया 3/2। अब आर स्क्वायर की पावर अगर 3/2 होगा तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर है बच्चे? तो थोड़ा सा डायग्राम में हल्की सी मेहनत कर दिए, मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअली कोई चीज गड़बड़ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि चीजें अच्छी तरीके से इस तरीके से आप कर सकें। ठीक है, बस एक लास्ट चीज मैं आपको और बता दूं, एक्चुअल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में जो दोनों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्चुअल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, उनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन का तो मैंने बता दिया, उसमें था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट होता है, इसमें क्या था इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इफ आई राइट ई एक्सियल तो उसका फॉर्मूला आपने निकाला था 2kp अपॉन आर क्यूब। अगर मैं लिखता हूं ई इक्वेटोरियल ई क्यू मीन्स इक्वेटोरियल, तो वो मेरे पास क्या निकल के आता है, वो हमारे पास था मैग्नीट्यूड वाइज केपी अपॉन आर क्यू। ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड वाइज, माइनस साइन और पी क्या डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालते हैं तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2/1। दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक 2 का अंतर है। इससे ये फाइनली कंक्लूड होता है कि ई एक्सियल इज इक्वल टू डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है बच्चे, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे पढ़ लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ लिया, डायपोल के दो बड़े मेन डेरिवेशन कर लिए। और ये चीजें बड़े इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे और ये क्या बात कह रही सर ने, कुछ नहीं, वेरी इजी लॉलीपॉप। करना बस क्या है बेटा कि एक बार रिवाइज कर लेना है, अगर आपने ढंग से इसको रिवाइज कर लिया तो सारी चीजें बिल्कुल मस्त जाएंगी। ठीक है बेटा, तो अब हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट क्या है, नेक्स्ट क्लास में दो और डेरिवेशन करेंगे डायपोल के, थोड़े अलग तरीके के हैं लेकिन उनपे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और बोर्ड में अक्सर उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में रिलेशन में है, इसलिए दोनों को मैं साथ साथ कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए, बिल्कुल फिट रहिए, चेहरे पे चमक बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, लॉकडाउन का कोई असर नहीं होना चाहिए, ढंग से खाओ, मौज लो और बढ़िया पढ़ो। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।